भारत में आज भी कई सारे ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो बहुत सारे रहस्यों से भरे हैं। हर मंदिर की अपनी एक गाथा और अपना ही महत्व है। इन्हीं मंदिरों में से एक है मेहंदीपुर बालाजी, जो कि राजस्थान के दौसा जिले में पास के दो पहाड़ियों के बीच स्थित है। यहाँ आपको कई विचित्र नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें पहली बार देख कर लोग हैरत में पड़ जाते हैं और डर भी जाते हैं। वैसे तो विज्ञान भूत प्रेतों को नहीं मानता, लेकिन यहाँ हर दिन दूर दराज के ऊपरी चक्कर और प्रेत भाता से परेशान लोग मुक्ति के लिए जरूर आते हैं। भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए यहाँ आने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में प्रेत राज सरकार और भैरव बाबा यानी कि कोतवाल कप्तान की मूर्ति है। हर दिन करीबन 2 बजे प्रेत राज सरकार के दरबार में पेशी यानी कि कीर्तन होती है, जिसमें लोगों पर आई ऊपरी सायों को दूर किया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के किसी भी तरह के प्रसाद को आप खा नहीं सकते और ना ही यहाँ से कोई भी प्रसाद आप घर ले जा सकते हैं। यहाँ तक कि कोई भी खाने पीने की चीज़ें या सुगंधित चीज़ें आप यहाँ से घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि बताया जाता है ऐसा करने पर ऊपरी साया आपके ऊपर आ जाता है। मान्यताओं के अनुसार मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी का ही अवतार है और वह अपने भक्तों को भूत प्रेत की छाया से दूर करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी की बाईं छाती में एक छोटा सा छेद है, जिससे लगातार जल बहता रहता है। कहते हैं ये बालाजी का पसीना है और यहाँ बालाजी को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भैरव को उड़द दाल का प्रसाद चढ़ाते हैं। बताया जाता है कि जिनके अंदर भूत प्रेत आदि शक्तियाँ होती है, वह यह प्रसाद खाते ही अजब गजब हरकतें करने लगते हैं। मेहंदीपुर बालाजी की मूर्ति के ठीक सामने भगवान राम और माता सीता की मूर्ति है, जिसके वह हमेशा दर्शन करते रहते हैं। यहाँ हनुमान जी बाल रूप में मौजूद हैं और यहाँ आने वाली सभी यात्रियों के लिए नियम है कि उन्हें कम से कम 1 सप्ताह तक लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, शराब का सेवन बंद कर देना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी में बाकी के मंदिरों से अलग प्रसाद चढ़ता है। यहाँ प्रसाद की 2 कैटेगरी हैं, एक दरखावस्त और दूसरी अर्जी। दरखावस्त को बालाजी में हाजिरी भी बोलते हैं और हाजिरी के प्रसाद को 2 बार खरीदना पड़ता है और अर्जी में 3 थालियों में प्रसाद मिलता है। मंदिर में दरखावस्त 1 बार लगाने के बाद वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। अर्जी का प्रसाद लौटते समय लेते हैं, जिन्हें अपने पीछे फेंकना होता है। नियम है कि प्रसाद फेंकते समय पीछे नहीं देखना चाहिए, नहीं तो कोई भी प्रेत आत्मा या फिर किसी पर किया काला जादू वह आप पर लग सकता है। तो इस मंदिर में जाने के लिए कई सारे नियम हैं और कई सारी मान्यताएं हैं। जब भी कोई इस मंदिर में गया है तो उन्होंने अपने आंखों के सामने लोगों को अजीबोगरीब हरकतें करते देखा है। जिन लोगों को भूत प्रेत लगा रहता है, वह इस मंदिर में घुसते ही बिल्कुल कांपने लग जाते हैं और उनके भूत प्रेत की आत्मा तड़पने लग जाती है, क्योंकि यहाँ हनुमान जी अपने बाल स्वरूप में भक्तों की रक्षा करते हैं और यह मंदिर बालाजी की असीम कृपा से बेहद शक्तिशाली है। अगर आप भी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाएं तो इन बातों का खास ध्यान रखें, नहीं तो किसी के साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर और कमेंट सेक्शन में जय हनुमान लिखना ना भूलें। धन्यवाद।